फरीदाबाद जिले के पृथला विधानसभा क्षेत्र में विधायक नयनपाल रावत एक बड़ी रैली कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए उनका संदेश आप तक पहुंचाते हैं। नहीं है उनके लिए फिक्रमंद हैं और पशु पालकों के लिए एक सोच पैदा की है कि इनको कैसे आर्थिक सहायता दी जाए और इनको तरक्की की राह पर लाया जाए। और मैं बहुत बहुत मुख्य आ गया था और कोरोना के कारण हम काम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 300 करोड़ की सड़कें, 250 करोड़ का जो गोलमेज का हॉस्पिटल है, 150 करोड़ के हमारे पंचायतों के काम डी प्लान से, भाई राहुल भाई मुझे 60 रुपए देने आया चुनाव के लिए, 24 के चुनाव के लिए, इसका धन्यवाद कर दो, पहली रकम आई है चुनाव के लिए, ठीक राहुल धन्यवाद। और ये मैं गुल्लक में डालूंगा, तू बैठ जा। साठ % तो पिछली बार ली, 1 लाख पार करोगे तो 70% लेनी पड़ेंगी रंजीत, वो पप्पू अपने हिसाब लगा ले भाई। ले भी 40 रुपया और आगे, अब तो जुगाड़ रह दो अपने चुनाव को, हमको दिक्कत नहीं है, अब तो मैं देने ना पड़ेंगे। मित्रों भाई आपको दानी दाता ना है, प्लीज बात कर ले दो। 4.25 साल में मैं जितना कर पाया, मैं रोजमर्रा के काम, अपने लोगों का काम जितना कर सकता था मैंने किए। 7 महीना अभी और बकाया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से, हरियाणा सरकार की कृपा से, वो भी आपके पूरे करके दूंगा, कोई काम आपका नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मित्रों मैं एक बात आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, इस 76 साल की आजादी में काम तो हर सरकार ने किए, हर MLA ने किए, हर सरपंच ने किए, हर सांसद ने किए, हर ब्लॉक मेंबर ने किए, चेयरमैन ने किए, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन नयनपाल रावत आपका बेटा है, आपका सेवक बनकर आपकी पूजा भी की और आपके काम भी किए। ये पूजा और सेवा केवल आपका भाई और बेटा ही कर सकता है। आप लोगों ने पहले भी विधायक देखे हैं, कहते थे रात को 12 बजे जगा लेना, कहते थे, मैंने भी कहा होगा, लेकिन आपका भाई और बेटा है, चाहे आपका फरीदाबाद की जो कुटीर है, जो झोंपड़ी है वो हो, और या पंचकुला सरकार की और आपकी मेहरबानी से जो मकान मिला है, आप पूछ के देखना, कम से कम 24 से 25 हजार लोग उड़ करके आए हैं, 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी उसके दरवाजे खुले मिलते हैं, और रात को खाना न खाया तो खाना भी खा के आते हैं। हजारों की तादाद में 25 हजार लोग, जिसमें से 17 से 18 लोग पृथला के और बाकी के पलवल, होडल, हथिंग, सब जगह के लोगों की सेवा करता हूं, और वो लोग भी आपको इज्जत मान देते हैं और आपकी सपोर्ट भी करते हैं और आपको वोट दिलवाते हैं। इसलिए वो मकान, वो आशियाना, ठिकाना मेरा नहीं है, वो पृथला के लोगों का है, पृथला के लोगों की मेहरबानी से है। मित्रों इस परिवार को परिवार केवल मैंने माना है, मैं किसी की रीस नहीं करता, मैं किसी होड़ नहीं करता, लेकिन जिसका जैसा काम हो उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की, इस भारत की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का, हर व्यक्ति का काम करना चाहते हैं, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उसी प्रकार इस प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के 1.80 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर चलते हैं, मैं नयनपाल रावत भी पृथला के 5 से 6 लाख लोगों को अपना परिवार, अपना भाई बहन मानकर चलता हूं। ये है हम लोगों में सिमिलरिटी, ये है हमें एक जैसी बात। मित्रों बहुत सारी बातें कहने को, ये तो मैंने तो बताई थी कि जिंदगी तो सवाल थी, लेकिन मित्रों इस परिवार का मतलब लिखने को तो कोई और भी लिख देंगे, जनसेवक बहुत से लोग लिखने लगे और भी लिख लेंगे, जनसेवक का मतलब है अपनी जनता के लिए जीना। जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं सड़क पे खड़ा था, रोड पे पड़ा था, और आप लोगों ने इसी मैदान से हुंकार भरी थी और 66,000 वोटों के साथ आपके भाई और बेटा को रिकॉर्ड वोटों से जिता करके चंडीगढ़ में भेजने का काम किया था, उसी प्रकार से मैं हर भाई के दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में, एक्सीडेंट में, हर चीज में और शादियों में,
कोई माई का लाल 100 रुपए से ज्यादा का कन्यादान नहीं करता था, लेकिन नैनपाल रावत ने जो कमाया वो अपनी जनता को दिया। आप सोच रहे होंगे कि नैनपाल पे बहुत पैसा है, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, अपने परमात्मा रूपी लोगों से झूठ ना बोलना चाहिए। 4.5 साल तो ये और 3 योजना का पहले जो बेका मेरा बेका वो तो मैं वापस ना ला सका। मैंने ये रैली पहली बार लोगों से सहयोग लेकर किए जो कभी 4.5 साल मैंने किए ना लिया। मैंने लोगों को सहयोग किया और लोगों का भी धन्यवाद करता हूं मन से, क्योंकि लोग तो कहते होंगे अपने आप को बड़ा बनाते हैं, क्यों? मैंने जो लिया जो दिया सरकार के माध्यम से व्यापार के माध्यम से मैंने जो कमाया वो मेरे क्षेत्र की जनता बहन बेटी भाई और युवाओं के लिए लगाया, मैंने जमा नहीं किया। मैं आपको ईमानदार से बात बताता हूं मित्रों, कई बार हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं कि भाई अगली बार कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट देकर नेता बनाने का काम किया। यह अलग बात है कि मैं 2014 में 11 सुमासी वोट से चुनाव हार गया था, लक नहीं था, आप लोगों ने तो बहुत कोशिश की, किस्मत में नहीं था। और मैंने उस दौरान कहा था कि पार्टी हमारी माँ है, माँ से भी गलती हो जाती है और माँ ने गलती ना करी, ये तो गलती बाबा ने करवाई है, तुम्हें भी बताओ। भाई अडानी को मायक रहने को बहुत मन रहा है, कहा करो। अब यो देखो, जब हमारे विधायक साहब बोल रहे सम्मानित साथी हैं और कोई बोल रहे उठ उठ के लोग जा रहे हैं, लेकिन जब से जितने गए हैं वो ही गए हैं, उसके बाद कोई गया है? ये कई बार पता मैं क्या सोचता हूं, आईने के सामने खड़ा होकर सोचता हूं कि यार भाई बात मत करो बीच में से, आनंद बैठ जाइए, 2 मिनट का समय। आईने के सामने खड़ा होकर सोचता हूं यार नैनपाल तो इतना खूबसूरत भी नहीं है, तेरे से बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो हीरो भी नहीं है, लेकिन जनता का प्यार ऐसा है और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है ना तो उसका जाने का मन करता और ना मेरा भेजने का मन करता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग क्यों नहीं उठ रहे यहां से, गाने बीच बीच में बोलते लोगों ने खराब मत कर रहे। तो कई बार पत्रकार साथी कहते हैं कि मैं टिकट किससे लेगा, अभी मैंने आपको बताया मां ने गलती कर दी, पर गलती मां की नहीं, गलती बाबा की, पर बाबा की गलती भी बार बार ना चलेगी, यह बात है भाजपा भी जाना है और यह बात है बाबा भी जाना है, चल जाएगी। और अगर फिर भी चल गई, ये कह फिर भी चल गई, मां ऐ तब तो शेख मुर्गे तुम कहां से वोट दे रहे हो? अरे फूफा करिए तुमने, मैं कहा मना कर रहा हूं, मैं तो ऐसे बजा ले रहा हूं ठेकेदार बन गया। जय हो जय के चौधरी। तो अगर फिर भी काट दिया तो फिर मैं क्या कहता हूं, ओ जय सरपंच साहब बलराम के, पहले बलराम से बड़े, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, क्या जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और अपनी लड़ाई लड़ सकता है मेरा प्यारा तीर्थला, क्या जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और अपनी लड़ाई लड़ सकता है मेरा प्यारा, मेरा प्यारा। तो और हकीकत बताऊं मित्रों, इस पृथ्वी के लोग माता बहन बुजुर्ग युवा अपने गौर तोड़ने के लिए बने। मुझसे पहले 2 विधायक जीते, वो कहते हैं जीते, और मैं कहता हूं मैं जिताया। वो जीते 1,015-1,200 थे, मैं जिताया 16,000 से। 19 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा?
भाई किसने तोड़ा फर्नीचर गौर देखे भैया पकड़िए अपने यार तुम्हारी ताकत है देख देख के ड्रोन में घबरा दे इतने आदमी ने कहा जरूर ड्रोन में कहा थे जाके फोटो खींचू ये रिकॉर्ड तोड़ने का काम पथला की जनता ने किया कोई भी रैली हो कोई भी आपके भाई का फंक्शन हो उसमें भी आपने रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया और आज इस पटकला परिवार का सम्मेलन का रिकॉर्ड भी इस पटकला क्षेत्र की जनता ने बनाया है और मैं दावे से कहता हूं जिस दिन रिकॉर्ड टूटेगा आज की रैली का भी उस दिन इसी ग्राउंड में पटकला विधानसभा की जनता तोड़ सकती है और किसी के बस की बात नहीं है जो लगा कर देख लेना मित्रों मन से वचन से आपके साथ हूं आपके परिवारों से बताऊं बहुत समय से आप लोग बैठे हैं इसलिए मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा नैनपाल रावत नाम है मेरा बेटा बनकर जीऊंगा भाई बनकर रहूंगा सेवादार बनकर सेवा करूंगा किसी को बीच में मत आने देना इस परिवार के इस परिवार को ऐसे ही बांधे रखना क्योंकि इज्जत और मान सबसे पहले इंसान के लिए जरूरी है आज छोटा सा बच्चा भी आता तो वो जब सीधा आके मेरे से मिल लेता है रणवीर मेंबर गलत कह रहा हूं भाई गलत है मिलता सीधा चाचा नरेश कंवर ना मिले तो बड़े यो कह मिले तू तो यो कह रहा हो ना मिले चाचा राजवीर ऐसे ही है जयराम तो मैं सबसे बड़ी बात है तो अंतिम तेरा भी नाम ले सकू से को भी ले सकू मैं जयराम को भाई सबे जानू अब तेरे पीछे थे तेरे गांव कोई मानवर को बैठो हमारे को वकील मनोज भी बैठो जितेंद्र बैठो ये सब लोगों को भी मेरा सम्मान सलाम है कि नमस्कार है क्योंकि ये आपके बीच बीच में ही लोग आ गए इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक ही बात कहूंगा हे पटला के लोगों तुम्हारा मेरे और मेरे परिवार पर जो एहसान है जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है मैं जन्म जन्मांतर उसको नहीं भूल सकता सैकड़ों साल जिंदगियां चले जाएंगे पटला विधानसभा के लोगों का एहसान नैनपाल रावत से नहीं उतरेगा इसलिए मैं तुमको नतमस्तक होकर दोबारा से नमस्कार करता हूं और फिर आप कहता हूं आपको कि आपकी सेवा में कभी कभी छोड़ूंगा देखो आराम से खाना खा जाना और भाई धीरे धीरे खाना खा ले जाना सबको खाना मिलेगा सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत